हेलो शिक्षक साथियों, आप सभी का मेरे ऐप SETI मस्ती पर और मेरे यूट्यूब चैनल SETI मस्ती पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बिहार सेवेंथ फेज शिक्षक बहाली 2023 में संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे उन्हीं प्रश्नों को लेकर मैं आया हूं। तो सबसे पहले हम जानते हैं जंतुओं के प्रजनन। हम जो पहले आपको पहले ही बता दिया है कि मैं जो है तीसरी चौथी और पांचवी के पर्यावरण को कवर कराऊंगा, उसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। तो जिन लोगों ने मेरे कोर्स को परचेज नहीं किया है तो लोग जाएं और कोर्स परचेज करें। तो जंतुओं के प्रजनन, तो जंतुओं में प्रजनन के मुख्य दो तरीके हैं। जंतुओं में प्रजनन के मुख्य दो तरीके हैं, एक है अंडे देकर, एक है बच्चों को जन्म देकर। ठीक है, तो अंडे देकर कौन कौन प्रजनन करते हैं, तो पक्षी है, सरीसृप है, कीट है। तो इसे को जन्म देकर जो स्तनधारी जो जीव है, जो दूध पिलाने वाले जीव है, स्तनधारी होते हैं, उनकी क्या प्रमुख विशेषताएं हैं आपसे पूछा जा सकता है। स्तनधारियों के लाल रुधिर अणुओं में केंद्रक नहीं होता है। सबसे पहले इसमें केंद्रक नहीं होता है, केवल ऊंट एवं लामा को छोड़कर, ऊंट और लामा को छोड़कर जो बाकी स्तनधारी है उसमें केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, वर्ग स्तनधारी तीन उपवर्गों में बांटा हुआ है। स्तनधारियों को तीन उपवर्गों में बांटा गया है, एक है प्रोटोथ्रिया, मेटाथ्रिया और यूथ्रिया। फिर से देखेंगे, प्रोटोथ्रिया, मेटाथ्रिया और यूथ्रिया, ये तीन उपवर्गों में इसको बांटा गया है स्तनधारियों को। भूल जाते हैं तो याद रखना मेरा ट्रिक, यू प्रोमिस मी, यू यानी यूथ्रिया, प्रोमिस यानी प्रोटोथ्रिया, मी करोगे तो एम ई से क्या हो जाएगा, मे हो जाएगा। जैसे मे कहोगे तो मेटाथ्रिया आपको याद हो जाएगा। तो यू प्रोमिस मी, स्तनधारियों को तीन वर्गों में बांटा गया है, यू प्रोमिस मी। ठीक है, ये प्रोटोथ्रिया के अंतर्गत कौन आते हैं, अंडे देते हैं और वो स्तनधारी है। अंडे तो देते हैं लेकिन अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। यहां से प्रश्न आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटोथ्रिया स्तनधारी यानी अंडे देते हैं लेकिन अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, तो उसी में है प्लेटिपस एकिडाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेटिपस और एकिडाना ऐसे स्तनधारी जीव है जो अंडे देते हैं। ठीक है, तो पूछा जा सकता है वैसे स्तनधारी जो अंडे देते हैं, तो प्लेटिपस एकिडाना, प्लेटिपस एकिडाना। ठीक है, और उस तरह से मेटाथ्रिया, तो मेटाथ्रिया में वैसे होते जो अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं। मेटाथ्रिया में क्या होता है, अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे कंगारू। कंगारू भी एक स्तनधारी पशु है। ठीक है, एक इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए कंगारू के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु क्या है, कंगारू है। यह एक शाकाहारी पशु है। ठीक है, और हम जैसे क्रिकेट, जैसे ऑस्ट्रेलिया टीम भारत आती है तो हम लोग कहते हैं कंगारू आ गए, तो ऑस्ट्रेलियन को कंगारुओं के नाम से भी जाना जाता है। तो कंगारू जो है ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है, याद रखेंगे यहां से। यूथ्रिया, पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देने वाले, जैसे मनुष्य जो है यूथ्रिया के अंतर्गत आता है। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान बकरी का होता है, जो दूध पिलाने वाले जंतु है उसमें से सबसे अधिक तापमान बकरी का होता है। ये भी बात याद रखना है क्योंकि हर एक कंपटीशन में पूछा गया है कि स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है, तो बकरी का होता है 39 डिग्री सेल्सियस। ये भी प्रश्न भी आई है। डकविल्ड प्लेटिपस एकमात्र विषैला स्तनी है, विषैला स्तनी आपसे पूछे तो डकविल्ड प्लेटिपस
स्तनधारी जो होते हैं उनके शरीर पर फर या क्या होते हैं, बाल होते हैं। ठीक है, स्तनधारियों का हृदय चार वेश्मी होता है, स्तनधारियों का हृदय चार वेश्मी होता है। चमगादड़ के शरीर के त्वचा पे शल्क होता है, जितने सरीसृप होते हैं उनके त्वचा पर शल्क होते हैं। स्तनधारियों के जीवन में दो बार दांत निकलते हैं, जो स्तनधारी जीव है उनके जीवन में दो बार दांत निकलते हैं, इसलिए इन्हें द्वार दंती भी कहते हैं। ठीक है, चमगादड़ पक्षी होने के बावजूद स्तनधारी है, ये चमगादड़ जो है पक्षी होने के बावजूद भी क्या है, स्तनधारी है। चमगादड़ अपने बच्चों को दूध पिलाता है। ठीक है, तो ये चमगादड़ पक्षी होने के बावजूद भी स्तनधारी है, ये VVI है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि चमगादड़ क्या है, तो स्तनधारी है। एक बार में अंडा देने वाले जीव है गिलमार्ट एंड रेजरबिल, जो एक बार में अंडा देने वाले, एक बार में अंडा देने वाले जीव है गिलमार्ट एंड रेजरबिल। सांप के बारीक कान नहीं होते हैं, मैंने पहले ही बताया जो जीव अंडे देते हैं उनके बाहरी कान नहीं होते हैं, तो सांप भी क्या है, अंडा देने वाला जीव है, तो इसलिए इसके बाहरी कान नहीं होते हैं। छिपकली के कान छिद्र के तरह होते हैं, पूछा जा सकता है छिपकली के कान कैसे होते हैं, सारे हमारे सिलेबस में है, हमारे किताबों में है, इसलिए एक एक चीज पहले मैं लाकर आप लोग को रख देता हूँ ताकि एक भी प्रश्न आप लोगों से न छूटे। जो छिपकली के कान छिद्र के तरह होते हैं, मछली के कान भीतर स्थित होते हैं, मछली के कान जो होते हैं उनके भीतर ही स्थित होते हैं, उनके भी कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं, वो भी अंडा देने वाले जीव है मछली, इसमें उसमें बताया था हवेल तथा डॉल्फिन स्तनधारी जीव है, लेकिन मछली वर्ग में है लेकिन स्तनधारी है व्हेल तथा डॉल्फिन। पक्षियों के कान छिद्र उनके पंखों के नीचे छिपे होते हैं, जो अंडा देने वाले जिनके कान बाहर तो दिखाई नहीं देते फिर भी वो तो सुनते हैं, लेकिन उनके कान जो है, जो पक्षियों के कान है छिद्र उनके पंख, जो पंख होता है उनके नीचे छिपे होते हैं। चिड़ियों के शरीर पर करगर होते हैं, पूछा जा सकता है। ठीक है, सरीसृपों के शरीर के त्वचा पर शल्क होते हैं। ठीक है, सर्प यानी सांप में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, सांप में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, वो रेंगने वाले प्राणी है, सरीसृप है सांप। और कछुए में चार जोड़ी हृदय होते हैं, याद रखेंगे कछुए में चार जोड़ी हृदय होती है। मेढक क्या करते हैं, टर टराते हैं, तो मेढक की बोलियां क्या है, टर 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 टराना, तो मेढकों की टरटराहट जो है वास्तव में मैथुन के लिए पुकार होती है, ये ऐसे नहीं टरटराते रहते हैं, जब ये टरटराते हैं तो मैथुन के लिए ये पुकारते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। मगरमच्छ का हृदय जो है चार कक्षीय होता है, मगरमच्छ का हृदय क्या होता है, चार कक्षीय होता है। BPSC आपसे पूछ सकता है कि वह कौन ऐसा सर्प है जो अपना घोंसला बनाता है, तो वह है नागराज। नागराज एकमात्र ऐसा सर्प है जो अपना घोंसला बनाता है। मीसोजोइक युग को रेप्टाइलों का युग कहते हैं, मीसोजोइक युग को रेप्टाइलों का युग कहते हैं। डिलोडर्मा विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली है, जहरीली छिपकली का नाम क्या है, तो डिलोडर्मा विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली है। सबसे जहरीला सांप हाइड्रोफिश है, सबसे जहरीला सांप कौन है, हाइड्रोफिश सबसे जहरीला सांप है। स्पाइडर सिल्क का इस्तेमाल कर मकड़ी अपना जाल बनाती है, तो मकड़ी जो अपना जाल बनाती है उसमें किसका इस्तेमाल करती है, स्पाइडर सिल्क का। मकड़ी के 48 घुटने होते हैं, 48 गो मकड़ी का जो है घुटना होता है, मकड़ी के 8 पैर होते हैं और 8
पैर में जो है छः जुड़िया होती है, तब जाके 8 × 6 = 48। तो मकड़ी के 48 घुटने होते हैं क्योंकि मकड़ी के 8 पैर होते हैं और हर एक पैर में 6 जोड़े होते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी मकड़ी गोलियथ बर्ड ईटर है। पूछा जा सकता है कि दुनिया की सबसे बड़ी मकड़ी का नाम क्या है, तो गोलियथ बर्ड ईटर। बर्ड ईटर मतलब पक्षी खाने वाला नहीं, यूं मत समझना कि ये पक्षी खाती है, नहीं, भले नाम है बर्ड ईटर लेकिन ये पक्षी नहीं खाती है, कीड़े मकोड़े ही खाती है।